हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। सो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो बेबी रिलेटेड वीडियो है। अभी तक मैंने प्रेगनेंसी के वीडियोस कई शेयर किए हैं, बट अब मेरे पास कुछ रिक्वेस्ट आ रही है कि न्यूबॉर्न के लिए भी आप कुछ उनके बारे में बताइए। तो रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था बेबी बैग फॉर हॉस्पिटल एंड मॉमी बैग फॉर हॉस्पिटल। ये दो बैग्स मैंने शेयर किए थे एंड जो बेबी बैग था उसमें मैंने बताया था डायपर्स के बारे में कुछ। देन फिर उस पर कई लोगों ने बोला कि डायपर्स, टाइप्स ऑफ डायपर्स या जो भी मैंने उस वीडियो में बताया था उसके बारे में मैं वीडियो शेयर करूँ। सो ऑफकोर्स आज आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आपने ये सब चीज़ें पहले शायद नहीं सुनी होंगी। मुझे मतलब क्लोथ डायपर एंड डिस्पोजेबल डायपर्स तो आपने बहुत सुना होगा, बट आज कुछ नई चीज़ें भी आपको जानने को मिलेंगी जो मैंने पर्सनली यूज़ की हैं। सो आपको एक मतलब जेन्युइन रिव्यू भी मिल जाएगा कि ये चीज़ें वाकई में कितनी काम करती हैं या नहीं करती हैं। तो यस, चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूँगी, कॉमनली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो है क्लोथ डायपर। सो ये मार्केट में इस तरीके से अवेलेबल होते हैं, घर पर भी लोग बनाते हैं, वो भी काफ़ी अच्छे रहते हैं। एंड मैंने तो घर पे नहीं बनाया था, तो ये रेडीमेड इस तरीके के काफ़ी वैरायटी है। क्लोथ डायपर में भी काफ़ी वैरायटी है। सो मैं आज आपको ये वाला दिखा रही हूँ कि बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये और ये दो कुछ इस तरीके से मिले हैं। बट क्लोथ डायपर में भी मेरे पास करीब मैंने मेरे ख्याल से 4 या 5 वैरायटी यूज़ की थी, तो ये तो बहुत ही बाद के हैं। तो फिर मैं दिखा देती हूँ आपको। ये इस तरीके से आता है, आप देख सकते हैं। तो ये सेंटर में कलक से स्टिच है ये मटेरियल। मतलब अगर इसमें बच्चा सिर्फ एक सुसु कर देना तो इसमें ही रहता है, थोड़ा सा गीला होता है लेकिन चीज़ें बाहर नहीं आती, क्योंकि इसका ये जो सेंटर वाला एरिया ने काफ़ी ज़्यादा थिक बनाया, अलग से एक लेयरिंग की हुई है। सब कुछ स्टिच है, वॉशेबल है, प्योर कपड़े का ही है। और इस तरीके से यहाँ पर बांधने का है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। सो ये मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लगा था। ब्रांड तो मुझे याद नहीं है, इसमें लिखा नहीं है। मैं लिंक दे दूँगी अपने कार्ड में से निकाल करके, लिंक सारे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, प्योर कॉटन का है और बहुत ही कम्फर्टेबल रहता है। और नेक्स्ट मेरे पास कुछ इस तरीके का था, ये वेलक्रो में। ये मैंने आदत थोड़ा बड़ा हो गया था तब मैंने लिया था, छोटे पर पे मैंने ये वाला नहीं लिया था। तो ये करीब 3-4 मंथ्स का जब हो गया था तब फिर मैंने ये वाले लेना शुरू कर दिए थे। तो ये मुझे बहुत ही अच्छे लगे थे। इस हिसाब से आराम से आपको बांधने वाने का झंझट नहीं है, बस जैसे डायपर पहनाते हैं कुछ इस तरीके का हो जाता है। इसमें भी सेंटर में इस तरीके का दिया हुआ है और ये प्योर मलमल का कपड़ा है, अगर आप देख पा रहे हो। सो ये प्योर कॉटन एकदम अच्छा सा रहता है। ये बेबी हग का है, मैंने बेबी हग का लिया था, इसमें यहाँ पर मेंशन है इसलिए आपको बता रही हूँ। एंड ये काफ़ी अफोर्डेबल भी पड़ जाते हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। इसमें साइजेस अलग अलग आते हैं, तो ये अलग अलग हर 3 महीने पे साइज़ चेंज होता है, ऐसा कुछ रहता है। तो ये है। एंड इसके अलावा और भी हैं, मैं इसके ऊपर अलग से सेपरेट वीडियोज़ बना दूंगी अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे कि कौन कौन से और टाइप के हैं, या फिर इन सब के लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये फिलहाल ये 2 टाइप के डायपर्स, क्लोथ डायपर्स हैं जिनको कि आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं अगर आप सिर्फ क्लोथ डायपर यूज़ करना चाहते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपनी नई चीज़ की तरफ, जो आपने आई डोंट नो देखी है कि नहीं देखी है, वो है ये इसका बॉक्स। तो ये है ये नैपी लाइनर। ये बॉक्स ऐसे ही फट सा गया है, कोई बात नहीं। इसके अंदर इस तरीके का ये एक पैक आता है, इसके अंदर से ही आता है ये इस तरीके से। सो ये आता है, करीब 100 लाइनर्स रहते हैं इसमें और ये मिलता है आपको 349 इसमें MRP है, बट कुछ डिस्काउंट वगैरह पे लिया था अमेजोन से, शायद मैंने इसको लिया था। एंड ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस इसके दिए हुए हैं। पहले मैं आपको नैपी लाइनर दिखाती हूँ किस तरीके का होता है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट शीट्स है इसमें। तो एक शीट मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये इस तरीके से रहता है। तो ये इस तरीके से रहता है, अगर मैं इसे पूरा खोल के आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से एक हैंकी के जैसा है, बहुत ही थिन सा कपड़ा है। तो ये इसको बोलते हैं नैपी लाइनर। सो बेसिकली आपके नैप मतलब बच्चे की जो नैपी है ये है, इसके अंदर एक ये लाइनर जैसा काम कर देता है। तो आपको क्या करना है, इसको जस्ट यहाँ पर इस तरीके से लगाना है एंड उसके बाद बच्चे को इस तरीके से डायपर को पहना देना है, समझ रहे हैं ना आप। इसको बस यहाँ पर बेस पर लगा लेना है ताकि उसको अगर पी या पू वो कुछ करता है तो जो भी है वो इस पर ही करे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ इससे बाहर नहीं जाएगी और आपका ये जो नैपी है ये बेसिकली क्या बोले वाटरप्रूफ जैसा हो जाएगा। तो बच्चे को हल्का सा, ये पूरे पे जाएगा भी नहीं, तो मतलब ये पूरा स्किन पे उसके कॉटन ही रहेगा, बट ये थोड़ी सी एरिया में सेंटर में आप इसको लगा दीजिए तो ये बस सोक कर लेगा जो भी मतलब जो भी चीज़ें बच्चा पी अपू जो भी कुछ करेगा वो इसमें सोक कर लेगा। तो ये मैंने मंगाया था फॉर ट्रायल।
सो ये आप देख सकते हैं कि काफ़ी बचा हुआ, मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया है। मेरे ख्याल से मैंने इसे 2-3 बार ही यूज़ किया होगा क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा। एक्चुअली क्या है कि ये इतना पतला है कि सिर्फ एक बार भी अगर उसने सुसू की तो फिर मुझे डायपर वगैरह जो भी है वो चेंज करना पड़ रहा था, तो बार बार का मेरा काम हो रहा था इसलिए मुझे ऐसा लगा। और साथ में इसकी एक लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ बच्चा, मतलब अगर आप यूज़ करना भी चाहते हैं तो सिर्फ 1 या 2 महीने तक जब बच्चा होता है ना, सिर्फ तब तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब तक कि उसका मूवमेंट ना हो, क्योंकि इसमें कुछ भी स्टिक होने जैसा नहीं है, प्लस इसकी कैपेसिटी भी उतनी नहीं है। तो बच्चा सिर्फ एक जगह अगर एक पोजीशन पर पड़ा हुआ है तो आपने जैसे सेट कर दिया ये वैसे ही रहेगा और इसी पे जो भी होगा सो होगा, तो उस टाइम तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बट आपको एक दिन में करीब 8 से 10 नैपी लाइनर्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो हालांकि इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है बाकी की चीज़ों से, तो ये आपको कॉस्ट इफेक्टिव पड़ सकता है इनकेस, जैसे अगर आप ऐसा चाहते हैं कि बच्चा जब पॉटी करे पू करे तो फिर वो आपका जो नैपी है कुछ लोगों को वॉश करने में दिक्कत होती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जब तक उसने पू नहीं की हुई है तब तक आप ये पहना दीजिए, एंड देन फिर जब वो पू कर लेता है तो फिर आप इसको मत पहनाइए। तो आप इस तरीके से मल्टीपल वे में यूज़ कर सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। बट येस, ये कॉस्ट इफेक्टिव है, आपको बहुत ही कम प्राइस में ये पड़ जाता है, बट इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा लगती है बाकी की चीज़ों से। और बच्चा जब मूव करने लग जाता है 2 से 3 महीने के बाद, बच्चा जब क्रॉलिंग वगैरह करने लगता है, पलटने लगता है या फिर हाथ पर खूब ज़्यादा मतलब मूवमेंट करने लगता है, तब फिर ये चीज़ काम नहीं आती है। तो इसीलिए ये मेरा आप देख सकते हैं कि ऐसे ही पड़ा रहा, बहुत ज़्यादा मैंने इसको यूज़ नहीं किया। स्टार्टिंग के ही 1-2 हफ्ते जो भी थे वो मैंने इसको यूज़ किया था, देन फिर मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। तो एक ये चीज़ है, यूज़ की जा सकती है अगर आप कंफर्टेबल हैं, कुछ नहीं से कुछ बेहतर है कि अगर आप केवल कपड़े वाली नैपी पहनाना चाहते हैं तो उससे तो बेहतर ही है। चलिए अब बढ़ते अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हमारा जाना माना ये रेडीमेड डायपर है, ये तो बेस्ट होता ही है। लेकिन कई लोगों की शिकायत ये होती है कि बच्चों को ना रैश हो जाते हैं या फिर प्रॉब्लम होती है, सूट नहीं करता है। तो कुछ बच्चों को वाकई में उनकी स्किन सेंसिटिव होती है और इस टाइप की चीज़ें सूट नहीं करती हैं, बट मोस्टली केसेस में मैंने देखा है कि अगर आप प्रॉपर रिजीम फॉलो नहीं कर रहे हैं डायपर चेंज करने का, जो भी हाइजीनिक मेजर्स लेने चाहिए आपको, अगर आप वो नहीं ले रहे हैं तभी बच्चे को दिक्कत होती है, अदरवाइज़ बच्चा बहुत ही आसानी से इस चीज़ को यूज़ कर सकता है। और इस ये थोड़ा सा आपको कॉस्ट वाइज थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लेकिन हाँ जब आप कहीं बाहर वगैरह जा रहे हैं या फिर आपके घर में कोई गेस्ट आया है या फिर कभी आप, अब जैसे मैं अपने केस की बात करूँ, मैंने इस डायपर को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया था जब मैं इसको बाहर ले जाती थी, बेसिकली ये तब काम आता था। और इसके अलावा मैं क्या यूज़ करती थी वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं बता दूँ कि ये जो डायपर है ये है पैम्पर्स का बेबी ड्राई पैंट। इसमें कई वेरिएशन आते हैं बट ये पर्टिकुलर वेरिएशन जो है बेबी ड्राई पैंट, एकदम बेसिक वाला भी नहीं है और एकदम प्रीमियम वाला भी नहीं है, तो ये कॉस्ट वाइज मुझे काफ़ी सही पड़ गया था। और मैंने यही वाला डायपर थ्रू आउट मतलब आरएफ के मेरे ख्याल से 1-1.5 साल तक मैंने इसको यही पहनाया है, जितना भी उसने पहना है वो यही पहना है। तो स्टार्टिंग के 2-3 महीने तक मैंने हगीज़ का जो प्रीमियम वाला वर्जन आता है वो पहनाया था अरब को, वो बहुत अच्छा है। लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि उसका ये जो इलास्टिक एरिया है ना ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है और ये वाला एरिया जो है ना जो सोकिंग एरिया है वो बहुत कम है, सो वो थोड़ा सा मुझे महंगा पड़ता था क्योंकि एक तो वैसे ही वो प्रीमियम है तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा आती थी और उसके बाद उसकी सोकिंग कैपेसिटी इससे कम थी, तो इसलिए मैंने उसको बाद में बंद कर दिया था। हालांकि क्वालिटी बहुत अच्छी थी उसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत ही इससे थोड़ा सा ज़्यादा वो सॉफ्ट था, बट इसमें भी मेरा काम चल जा रहा था, मेरे बच्चे को कोई रैशेज कोई इस तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। स्पेशली रात में वो वाला जो डायपर था हगीज़ का प्रीमियम वाला वो रात में सफिशिएंट मुझे नहीं लगता था, तो इसलिए मैं इस पर स्विच कर लिया था मैंने। तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं, ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। एंड मैमी पोको पैंट्स मैंने ट्राई किया था वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, उसमें काफ़ी डायपर्स जो थे वो लीकेज हो जाता था उनमें से, आई थिंक वो डिफेक्टिव थे या जो भी था, मैंने 2-3 बार उसको ट्राई किया बट वो मेरे लिए बिल्कुल काम नहीं किया, ब्लू कलर का जो आता है। सो ये वाला वेरिएशन मुझे पैम्पर्स का इकोनॉमिकल भी लगा और परफॉर्मेंस भी इसकी काफ़ी अच्छी है, तो आप चाहे तो ये वाला, इसमें भी प्रीमियम नाइट ऐसे करके बहुत सारे आते हैं बट उन सब से मुझे ऐसा लगा कि ये परफेक्ट है हर एक पैरामीटर के अंदर। तो मैं आपको इसका वाला, ये वाले जो मैंने ये वेरिएशन बताया इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेकआउट करना। तो चलिए अब नेक्स्ट चीज़ मैं दिखाती हूँ वो है बहुत अमेजिंग सा, ये है नैपी पैड्स। ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ मुझे लगी थी, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने बहुत यूज़ किया है और मैं इसके बहुत बड़े बड़े पैक्स भी आते हैं। ये तो मैंने लास्ट टाइम पे लिया था कि पता नहीं कितना यूज़ होगा कि नहीं, तो मैं एक खोल के आपको दिखाती हूँ। ये बहुत ही सही चीज़ है, ये कुछ इस तरीके से रहता है, ये देखिए इसकी लेंथ कितनी ज़्यादा है, ये पूरा इतना बड़ा रहता है और पीछे से पूरे में इसमें अडहेसिव, ये सेंटर में आप जो टेप दिख रहे हैं ना ये पूरा अडहेसिव आता है और साइड्स में हल्की सी इलास्टिक लगी रहती है इस तरीके से। तो ये बहुत ज़्यादा टाइट वाली इलास्टिक नहीं है, जस्ट एक शेप देने के लिए कि बच्चे के थाइस पे जाकर ये फिट हो जाता है। सो ये इस तरीके से रहता है और पीछे से इसकी भी सोकिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है, आप देख सकते हैं कि काफ़ी
अच्छा है ये, और सॉफ्ट भी है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सॉफ्ट रहती है। एंड पीछे से ये इस तरीके से एडहेसिव रहता है, यहाँ से ये ऐसे निकल जाता है तो ये पूरा चिपक जाता है। तो ये मुझे इतना अच्छा लगा था क्योंकि, और ये पूरा आप देख सकते हैं इसकी जो लेंथ है ना वो ऐसे है कि पूरा बैक टू फ्रंट पूरा कवर हो जाता है, तो कहीं कोई लीकेज का कोई दिक्कत नहीं होता है। बच्चा आराम से इसको पूरे टाइम मूव कर रहा है, पलट रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो आराम से आप इसको ये पहना सकते हैं। इसको पहनाने के लिए आपको पीछे से एडहेसिव लेकर के इसके ऊपर इस तरीके से चिपका देना होता है। ये देखिए मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, और सिंस इसमें बीच में इलास्टिक लगी हुई है तो कितना भी बड़ा आपका डायपर है हर उसमें फिट हो जाता है। इसमें कोई साइज़ नहीं आता है, इसमें एक ही साइज़ आता है और ये हर साइज़ में फिट हो जाता है इलास्टिक की वजह से। छोटा है बच्चा, 3 महीने का है, 6 महीने का है, तो हर उस पर चला जाता है। और आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है कि आराम से पूरा डायपर, ये नैपी जो है वो कवर हो गया है, तो इसमें कहीं भी कोई लीकेज का किसी चीज़ का दिक्कत नहीं होता है। तो ये बहुत ही परफेक्ट है, इसमें कहीं कोई इलास्टिक इस तरीके से नहीं है कि बच्चे को रैशेज़ हो, कंफर्टेबल ना हो, और पूरा एयर पास होने की पूरी इसमें जगह होती है, सब कुछ अच्छा रहता है। प्लस कुछ लीकेज नहीं होता है, जो भी कुछ होता है ये यहाँ पर हो जाता है। बस आप इसको निकालिए और आपको डायपर धोने की भी जरूरत, मतलब डायपर आपका गंदा नहीं है, आप इस डायपर को रीयूज़, दूसरा पैड लगा के रीयूज़ भी कर सकते हैं और सिंपल पानी वगैरह से वॉश भी कर सकते हैं, लेट बाद में भी वॉश कर सकते हैं, जैसा भी। सो ये इतना अच्छा मुझे लगा। और अगर मैं कॉस्ट की इसकी बात करूँ तो ये वाला जो, ये तो छोटा पैक था, थोड़ा महंगा ही आएगा। ये है 160 रुपीज़ में, 20 पैड्स है ये, लेकिन ये छोटा है, मैं बड़ा पैक लेती थी। तो ये मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं है, लेकिन अगर जैसे ये वाला डायपर जो है ये 7 रुपये का पड़ेगा, तो ये करीब 4 से 5 रुपये के बीच में पड़ेगा। सो पर डायपर आपको ये करीब 2 या 2.5 रुपये का अंतर आपको आता है, तो ये काफ़ी अगर आप जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा सा इकोनॉमिकल भी पड़ेगा। और इसकी सोकिंग कैपेसिटी इस डायपर की जितनी होती है अगर बच्चा छोटा है इन दैट केस। सो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, मैंने इसे भर भर के यूज़ किया था, क्योंकि डायपर मैं दिन भर ऐसे यूज़ नहीं करती थी, सिर्फ कहीं बाहर जा रहे हैं जब मुझे ऐसे पूरा रोमपर वगैरह पहनाना है देन फिर मैं वो वाला डायपर पहनाती थी इसको। अदरवाइज़ मैं ऐसे आसपास कहीं जा रही हो तो मैं यही पहना करके इसको लेके चली जाती थी। मुझे काफ़ी सही लगा, मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा। और इसमें भी कई वेरिएशन आते हैं, बट ये जो ब्रांड मैंने बताया ना ये परफेक्ट है। जॉनसन बेबी का भी आता है बट वो मुझे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगा था और वो थोड़ा सा ऐसे महंगा भी था। ये वाला पर्टिकुलर ब्रांड जो है टेडी, इसका आप लेंगे ना तो ये बहुत, इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और प्राइस भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें बड़ा पैक आता है, इसमें भी 2 वेरिएशन आते हैं, तो मैं तो सस्ता वाला ही लेती थी तो सही पड़ जाता था इसके साथ। लेकिन एक लिमिटेशन ये है कि जैसे आपने इसके अंदर लगा करके इसको पहनाया ना तो ये थोड़ा सा मोटा मोटा सा हो जाता है। तो इसके ऊपर अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, मतलब बच्चे को तैयार वैयार करना, पार्टी वगैरह में लेके जाना है, तो फिर आप इसको नहीं पहना सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटा मोटा सा हो जाता है और फिर उसके ऊपर पैंट तो आएगी नहीं। सो उसके लिए मैं क्या करती थी वो भी आपको बता देती हूँ। ये मैंने क्या किया था, इस तरीके की डायपर पैंट्स आती हैं, ये आप देख सकते हैं कि पैंट छोटी है बट ये एरिया थोड़ा सा बड़ा है। तो हालांकि पार्टीज़ में मैं ये नहीं पहना के लेके जाती थी, बट ऐसे हम लोग पर्सनली कहीं घूमने जा रहे हैं, किसी से मिलना मिलना नहीं है, जस्ट ऐसे आउटिंग पे जा रहे हैं, तो मैं इस तरीके के पैंट्स मैंने कई सारे ले रखे थे, तो ये पहना करके मैं उसको लेकर के चली जाती थी। तो मैं बहुत ही कम से कम यूज़ करती थी ये वाले डायपर्स का, मैं कोशिश यही करती थी कि इसी में मेरा काम निपट जाए क्योंकि ये बहुत ही अच्छे थे। सो ये वाले डायपर पैंट्स आते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के, जैसे बच्चा आपका 3 महीने का है तो आप 6 महीने वाले पैंट्स खरीद लीजिए और वो पहना सकते हैं, तो वो आपके बाद में भी काम आ जाएंगे, ऐसा रहता है। तो मैं मतलब इस तरीके की पैंट्स आपको एडवाइस करूँगी, ये बहुत ही सही रहती है, कोई इवन डायपर वगैरह भी पहनाना चाहे ना तो वहाँ पर एकदम बच्चे को टाइट टाइट सा नहीं लगता है। तो इसलिए मैंने ये पैंट्स ले ली थी और ये नैपी के साथ नैपी पैड्स पहना करके ऊपर से तैयार करके लेके चली जाती थी। तो मैं तो इस चीज़ को आपको हाईली रेकमेंड करूँगी कि अगर आप डायपर नहीं पहनाना चाहते हैं या डायपर आपको थोड़ा सा महंगा पड़ता है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। बट येस, जब बच्चा आपका चलने वड़ने लग जाए, दौड़ने लग जाए, होता है ना 6 करीब 7-8 मंथ तक मैंने आरफ को ये पहनाया था, लेकिन उसके बाद फिर जब आरफ प्रॉपर थोड़ा चलने लग गया था, थोड़ा ज़्यादा एक्टिविटी करने लग गया था, मूव करने लग गया था, तब फिर मैंने इसको ये पहनाना मतलब थोड़ा सा कम कर दिया था। डायपर जैसी ही चीज़ है, कुछ अलग नहीं है, डायपर जैसी ही चीज़ है, बट फिर भी उससे थोड़ा सा कम मटेरियल इसके अंदर यूज़ हुआ है एंड कम्फर्ट के हिसाब से काफ़ी सही है। एंड मैंने आरफ को मतलब मोस्टली जब तक उसने डायपर्स पहने तो दिन में मैंने उसे यही पहनाती थी, सिर्फ रात में भी, इवन मैंने 6-7 मंथ तक मैंने उसे रात में भी यही पहनाया है, नाइट डायपर्स वगैरह कुछ नहीं पहनाया है। बट जब वो थोड़ा बड़ा हो गया था, करीब मतलब 9-10 मंथ्स के बाद से मैंने उसको रात में ये वाले डायपर्स पहनाना शुरू कर दिए थे, क्योंकि दिन में मैंने उसको डायपर फ्री रखने की कोशिश करना स्टार्ट कर दिया। चलिए अब बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑप्शन की तरफ, जो कि है ये क्लोथ डायपर, रीयूजेबल क्लोथ डायपर है बेसिकली। इसमें क्या होता है, ये आता है इस तरीके से, आप देख सकते हैं कि ये बाहर से दिखने में भी काफ़ी सुंदर है, काफ़ी प्रेजेंटेबल, अगर आप ऐसे भी बच्चे को लेके जाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में, ऐसा कुछ ख़राब नहीं लगेगा। तो इसमें क्या है कि बाहर इस तरीके का मटेरियल, वाटरप्रूफ मटेरियल रहता है कि अंदर से कोई भी पानी वानी लिक्विड आया भी तो बाहर वो
नहीं निकलता है। तो आपका अगर बच्चे ने अंदर सुसु कर भी दी तो बाहर कुछ गीला नहीं होगा, बाहर पे बेडशीट या जो भी चीज़ पे वो लेटा है सब मेस नहीं क्रिएट होगा। इन शॉर्ट आपका सिर्फ डायपर गंदा होगा और आपको ये नैपी को चेंज धोना है या जो भी करना है सो करना है। जैसे कि ये वाले में क्या है कि अगर कोई भी चीज़ गंदी हुई तो ये होगा, फिर जो जिस पे लेटा हुआ बच्चा वो भी गंदा हो जाएगा, तो आपको तीन चार चीज़ें धोनी करना, पूरा मेस क्रिएट हो जाएगा। इसके साथ वो चीज़ नहीं है, ये डिफरेंस है। तो ये बेसिकली रीयूजेबल क्लोथ डायपर आप इनको कहेंगे। सो अंदर इस तरीके का एक सॉफ्ट कॉटन सा मटेरियल है यहाँ पर, जो कि बच्चे की स्किन के लिए काफ़ी अच्छा रहता है, उसको इरिटेट नहीं करता है और कंफर्टेबल और सॉफ्ट रहता है। सेम यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि साइड में थोड़ी सी इलास्टिक दी है, जिससे कि यहाँ पर थाइस के पास वो प्रॉपर शेप हो जाए, फिट हो जाए। और यहाँ पर इस तरीके के इतने सारे बटन्स दिए हुए हैं, तो साइज़ के हिसाब से ये आप जो भी साइज़ लेना चाहें, बच्चे का जैसा भी है फिटिंग उसके हिसाब से आप ये इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से ये फिट हो जाता है, ये ऐसे ये फिट हो गया और आप इसको पहना सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा है और ये थोड़ा सा महंगा था, 500 या ऐसे कुछ रेंज में आता है, लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार आपने ले लिया बस उसके बाद इसको धो धो कर आराम से पहनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती है। एंड यहाँ पर क्या है कि इस तरीके का ये आप देख रहे हैं गैप दिया हुआ है, इस गैप के अंदर आपको ये फिल करना होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ, तो ये डाल देने से, जैसे ये इसके अंदर इस तरीके से मैं डाल दूंगी, तो ये डाल देने से क्या होता है, ये इसको इसको भी क्लोथ पैड्स बोलते हैं शायद से, इसका प्रॉपर नाम मुझे ध्यान नहीं है, ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने डाल दिया, तो इससे क्या है कि इसकी सोकिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो जैसे बच्चे ने एक दो सुसु कर ली, तीन सुसु कर ली, तो आराम से ये हो जाएगा। लेकिन हाँ, ये क्या है कि अंदर से बच्चे को गीला फीलिंग होगी, इसके बाहर से आपको पता नहीं चलेगा, बट अंदर से बच्चा ने एक बार भी किया ना तो ये गीला गीला सा उसको महसूस होगा। जैसे कि नैपी पैड्स और डायपर्स में क्या होता है कि बच्चे ने कर भी लिया तो वो सोक कर लेता है, बच्चा ड्राई बना रहता है और बाहर से भी ड्राई बना रहता है, तो वो फीचर इसमें नहीं मिलेगा। बट येस, ये है कि आप बच्चे को क्लोथ डायपर पहना रहे हैं तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है और आपको बार बार खर्चा भी नहीं करना होता है। और जिन बच्चों को सूट नहीं करता है इस तरीके की चीज़ें, तो वो फिर ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये मेस नहीं क्रिएट करता है, तो मम्मीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो येस, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है बट बहुत अच्छा रहता है। बट मैं अगर अपने केस की बात करूँ तो RF को ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा, तो मैं क्या करती थी, जब मुझे ऐसा लगता था तो मैं ये ही RF को पहनाती थी, ये उसको ज़्यादा पसंद था। ये मैंने दो खरीदे थे ट्रायल बेसिस के लिए, बट दूसरा तो नया पैक होकर के ही रखा हुआ है। ये वाला ही मैंने एक दो बार उसको ट्राई किया पहनाने के लिए, बट वो 10 से 15 मिनट बाद ही इरिटेट होने लगता था, रोने लगता था, तो ये उसको इतना कंफर्टेबल नहीं लगा। सो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आप भी ये वाले में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और मेरे बच्चे को सूट नहीं हुआ डजंट मीन कि किसी को नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को ये सूट भी करता है और बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इसके लिए भी आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, अगर आपको ये सेट हो जाता है तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आपके लिए। लेकिन आप पहले एक ही पीस खरीदिए, अगर आपको सूट हो जाता है उसको 10-15 दिन यूज़ कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरे बच्चे को और मुझे कंफर्टेबल लग रहा है, देन फिर बाकी में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महंगा आता है, 500 इसी तरीके की रेंज में आता है। तो फिर ज़्यादा महंगा लेकर के फिर, जैसे अभी मेरा क्या है कि एक नया का नया ही पड़ा है, मतलब नहीं है, तो इसीलिए मैं लिंक दे दूंगी आपको। ये वाला पर्टिकुलर बेबी हक का मैंने लिया था, इसमें काफ़ी सारे ब्रांड्स में आते हैं, बट बेबी हक का ये मुझे ठीक ठाक रेंज में एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट मिल गया था, तो मैं इसका भी लिंक आपको दे दूंगी। एंड आई होप कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल रहेगा और आपको नैपी पैड्स और नैपी लाइनर के बारे में भी पता चला हो। अगर आप पहले से जानते हैं, यूज़ करते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और अगर आपने पहली बार सुना है, पहली बार जाना है इसके बारे में, तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, आपको कुछ प्रोवाइड करा पाई, आपकी लाइफ में कुछ कंफर्ट प्रोवाइड करा पाई, सो मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सबके साथ में शेयर भी कीजिएगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके फिर ही जाइएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।